हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को जूलॉजी व केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया है और उस वीडियो में आप सभी ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज फ्रेंड्स हम बॉटनी के सिलेबस को बहुत ही सरल से सरल भाषा में व बहुत ही आसान से आसान भाषा में मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे वीडियो के लाभ तो जरूर से जरूर बने रहें, वीडियो को फ्रेंड थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि फ्रेंड जितने इसके हर एक पॉइंट होंगे मैं एक दूसरे से को रिलेट करते हुए चलूंगा। इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स हमारे पहले वाले पॉइंट से कह सकते हैं कि एक सूत्रता में बंधे रहेगा। तो इस कार से फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से बारीकी से समझते हुए चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप को कह सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि सिलेबस से संबंधित और भी अन्य कोई भी वीडियो आप को यूट्यूब पर या कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी के साथ लास्ट तक देखा तो फ्रेंड्स आप कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को यह बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है मैंने फ्रेंड्स अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कल से मैं फ्रेंड्स स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल बीएससी क्लासेस चैनल को व अंकित लेक्चरर चैनल को, दोनों के दोनों चैनल को आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के होम पेज पर मैंने फ्रेंड्स चैनल को लगा भी दिया है, तो अब आप सभी को आसानी से वो जो चैनल हैं वो फ्रेंड्स मिल भी जाएंगे। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि बीएससी क्लासेस चैनल को व अंकित लेक्चरर चैनल को, दोनों के दोनों चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप सभी बहुत ही प्रॉपर समय में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सिलेबस आकर क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप को दिखाई दे रहा होगा कि बीएससी सेकंड ईयर यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स बीएससी सेकंड ईयर में कह सकते हैं कि हमारे दो सेमेस्टर हुए, सेमेस्टर नंबर 3 एंड फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 4। तो यानी जैसा कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से भी पता होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर था उसमें फ्रेंड्स दो सिलेबस थे, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट सेमेस्टर नंबर सेकंड। ठीक उसी की बात फ्रेंड जो हमारा कह सकते हैं कि सेकंड ईयर है इसमें भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो हमारे सेमेस्टर हैं, एक फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर 3 है और जो फ्रेंड दूसरा हमारा वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा सेमेस्टर नंबर है। अब जो फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना क्या है, तो फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना है सेमेस्टर नंबर 3। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देखेंगे कि सेमेस्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम सभी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक थ्योरी क्लासेस पढ़नी है और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लासेस पढ़नी है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एक थ्योरी क्लासेस का अध्ययन करना है और एक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस का अध्ययन करना है। अब बात कर ले फ्रेंड्स की जो थ्योरी क्लासेस होगी वो फ्रेंड्स हमारी होगी कौन सी, तो यहां पर फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हम सभी की थ्योरी क्लासेस होगी वो फ्रेंड्स हमारी थ्योरी क्लासेस का कह सकते हैं नाम है फ्लोरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एफएफथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम सभी का थ्योरी क्लासेस का नाम है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हम सभी को कह सकते हैं कि 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। और बात कर ले फ्रेंड्स अपने हम प्रैक्टिकल क्लास के बारे में, तो फ्रेंड्स हम लोगों के प्रैक्टिकल क्लास का नाम है प्लांट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हम सभी के प्रैक्टिकल क्लास का नाम है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको कितने यूनिट मिलने वाले हैं या कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं, कि 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को इतना जो बेसिक सा जानकारी था बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेकंड ईयर के अंतर्गत फ्रेंड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम सभी को एक थ्योरी क्लासेस करनी है, एक फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस करनी है। टोटल मिलाकर फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 6 क्रेडिट हैं जिनमें से फ्रेंड्स हर हाल में आपको 4 या 5 क्रेडिट हर हाल में ही लाना होगा। जो फ्रेंड्स हम सभी की थ्योरी क्लासेज है जिसका फ्रेंड्स नाम है फ्लोरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हम सभी के थ्योरी क्लासेज है और फ्रेंड्स प्लांट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो फ्रेंड्स है ये फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट मैं आप सभी को ये भी जस्ट समझा दूँ कि जो फ्रेंड थ्योरी क्लासेज है इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट हैं और उन यूनिटों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे हेडिंग हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूंगा कि जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लासेज है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट है और उन यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का हम सभी को प्रैक्टिकल भी करना है। उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना ले, वीडियो एक बार टाइम आप दे देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप सिलेबस को समझे रहेंगे उसके हर एक टॉपिक को, उसको हर एक हेडिंग को एक बार आप कसने की सर से निगाह से अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो इन फ्यूचर जब आप उसे फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो आपको फ्रेंड्स इतना समझ में आ जाएगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैं हर एक पॉइंट को यहां पर प्रॉपर क्लियर करते हुए चलूंगा, तो आपसे टेंशन ना लें, वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। अभी देखते हैं फटाफट हम उन सभी को देख लेते हैं।
जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा फोकस करना कि फ्रेंड्स बीएससी सेकेंड ईयर जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप सभी क्वालिफाई करेंगे, ये फ्रेंड्स एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स कह सकते हैं कि है, तो जब फ्रेंड्स आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को एक प्रकार की सर्टिफिकेट मिलेगी जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है प्लांट आइडेंटिफिकेशन अल्टीजेशन एंड इथनो मेडिसिन, यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स आप सभी को एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर में एक सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स बीएससी सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट आप सभी को मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, मैंने सोचा फ्रेंड्स आप सबको क्यों ना जरूर से जरूर बता दिया जाए, जैसे फ्रेंड्स आप सभी को ये थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए तो बहुत ही अच्छा ही आप सभी के लिए रहेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना कि ये फ्रेंड्स हमसे क्या कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट का नेम होगा, ये फ्रेंड्स हम सभी को सेकंड ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देंगे, यहाँ फ्रेंड्स वहीं फिर से बता रहा है ये सर्टिफिकेट हो गया, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देंगे कि ये फ्रेंड्स बीएससी सेकंड ईयर है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर नंबर फर्स्ट के पेपर नंबर फर्स्ट की, यानी थ्योरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, और ये इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो कोर्स टाइटल है यानी फ्रेंड थ्योरी बुक का नाम क्या है, तो फ्रेंड थ्योरी बुक का नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम सभी की थ्योरी क्लासेस का नाम है। अब इसके अंतर्गत फटाफट हम फ्रेंड्स यहां पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप सभी को फ्रेंड्स प्रॉपर समझता हुआ चला आएगा कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट का हम सभी को अध्ययन करना है और कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करता है, उन सभी के साथ फ्रेंड्स हम चलिए फटाफट लेक्चर को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप सभी को फोकस करना, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसके फ्रेंड्स एक साइड में आप लोग यहाँ पर फोकस करना। फ्रेंड मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर दूं या थोड़ा सा इसे सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को समझ में आ जाए, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इसके फ्रेंड्स एक साइड में फ्रेंड्स यूनिट के बारे में चर्चा की गई है, दूसरे साइड में कह सकते हैं कि टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है, और तीसरे साइड में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स के बारे में चर्चा की गई है। यानी फ्रेंड्स नंबर ऑफ लेक्चर्स का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो गया कि इस चैप्टर को हम कितने सारे कह सकते हैं कि हावर्स में या कितने सारे कह सकते हैं फ्रेंड्स चैप्टर के अंतर्गत या लेक्चर के अंतर्गत इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का फ्रेंड्स क्या नाम है, तो फ्रेंड्स यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है टैक्सोनॉमिक रिसर्च एंड नोमेनक्लेचर, यानी फ्रेंड्स ये यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसको फ्रेंड्स हम सेवन लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को फटाफट ये भी इसी के साथ बता दूं कि जो फ्रेंड्स यूनिट नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करना है। तो आप लोग यहां पर ध्यान देना कि जो टैक्सोनॉमिक रिसर्च एंड क्लेचर है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो टैक्सोनॉमी के कह सकते हैं कि कंपोनेंट है, जो टैक्सोनॉमी के कह सकते हैं कि घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स, उनकी पहचान के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में फ्रेंड्स, उनकी नाम पद्धतियों के बारे में, और फ्रेंड्स उनकी क्लासिफिकेशन या फ्रेंड्स उनके वर्गीकरण के बारे में। तो ये फ्रेंड्स काफी अच्छा पॉइंट है, काफी इससे क्वेश्चन भी हम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट के बारे में, उनके फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उनके फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर के बारे में, उनके फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च होता है उसके भी बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि हर्बेरियम फंक्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्बेरियम फंक्शंस, तो हर्बेरियम फंक्शंस के बारे में, और जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कुछ हमारे हर्बेरिया होंगी उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी अपने चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं तो जो बोटानिकल कह सकते हैं कि गार्डन होते हैं उनके बारे में, फ्लोरा जो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो कीज होती हैं उन सभी के बारे में कह सकते हैं कि हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं तो फ्रेंड्स जो बायोनॉमिकल नोमेन कल्चर होते हैं उनके बारे में, जो उनके फ्रेंड्स कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ फ्रेंड्स रूल्स होते हैं जो बोटानिकल नोमेन कल्चर के अकॉर्डिंग जो होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जो ICN रैंक होते हैं यानी उसके कह सकते हैं कि जो ICN रैंक का कह सकते हैं कि वो रैंक है या टैक्सा है उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। उनकी जो फ्रेंड्स प्रिंसिपल होती है या फ्रेंड्स उनकी जो प्रायोरिटी होती है उनके बारे में, उनके टाइप के बारे में, उनके टाइप मेथड के बारे में, उनके फ्रेंड्स ऑथर कह सकते हैं कि CCN के बारे में, जो वैलिड पब्लिकेशंस होती हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग फ्रेंड्स अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मैं मोटा मोटी आप सबको फ्रेंड्स इतना तो समझ में आ ही गया होगा
कि अपने टैक्सोनॉमी रिसर्च एंड नोमेनक्लेचर के अंतर्गत किन किन पॉइंट के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो मुख्य रूप से मैं फ्रेंड्स आपको एक बार थोड़ा सा बहुत ही स्पीड में आपसे को रिवाइज करा दूं, तो टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, टैक्सोनॉमिक जो रिसर्च होते हैं उनके बारे में, हर्बेरियम फंक्शंस के बारे में, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में, बोटानिकल गार्डन्स के बारे में, फ्लोरा के बारे में, आर्टिफिशियल जो कीज होते हैं उनके बारे में, बायोनॉमिकल कह सकते हैं कि जो नोमेनक्लेचर होते हैं उनके बारे में, उनके जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ प्रिंसिपल कुछ रूल्स होते हैं बॉटनिकल नोमेन कल्चर के, वो फ्रेंड जो आईसीएन के अकॉर्डिंग होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स इसके अंदर उसकी रैंक क्या होती है, उसकी फ्रेंड टैक्सा क्या होती है, उसकी फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है, उसके फ्रेंड टाइप मैटर्स क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, वैलिड पब्लिकेशन क्या है, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी टैक्सोनॉमिक रिसर्च एंड नोमेन क्लेचर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप लोग को मोटा मोटी इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लें अपने यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, कि यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और भी दिखाई दे। तो मैं ऐसा कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो बात करें फ्रेंड्स अपने हम यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, कि यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट के बारे में अध्ययन करना है। तो अपने हम यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, यानी कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे कुछ एविडेंसेस हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने सेकंड चैप्टर में या सेकंड यूनिट में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इस यूनिट को फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि 8 लेक्चर के अंतर्गत या फ्रेंड्स 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट भी कर देंगे। अब चलिए फ्रेंड फटाफट मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपने ध्यान देना कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम सभी आर्टिफिशियल के बारे में, किसके बारे में फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम सभी आर्टिफिशियल के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो नेचुरल एंड कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। बैंथम एंड हुकर्स जो फ्रेंड्स कहते हैं कि अप टू जो उनकी सीरीज होती है फ्रेंड्स, बैंथम एंड हुकर के कह सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारे योगदान रहे हैं बॉटनिकल में, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बैंथम एंड जो हुकर जी हैं इनके जो फ्रेंड्स अप टू सीरीज हैं उस सीरीज के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। इस सीरीज से फ्रेंड्स काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम लोग को अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, तो उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जान जो फ्रेंड्स होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एनजीओ जो फ्रेंड्स स्पर्म होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। फाइलोजेनिक जो ग्रुप होता है जिसे फ्रेंड्स हम एपीजी 4th के भी नाम से जानते हैं उनके बारे में हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। उनकी जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन या फ्रेंड्स उनका जो वर्गीकरण होता है उनके बारे में, साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि जो साइटोलॉजी से टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस के जो इंट्रोडक्शन है उन सभी का अध्ययन फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री के बारे में और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मॉलिकुलर बायोलॉजी जो डाटा होती है उन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होमोलॉजी है इसके भी बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत या सेकंड चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल के बारे में, नेचुरल एंड कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक के बारे में, बैंथम एंड हुकर अप टू जो उनकी सीरीज होती है या जो फ्रेंड्स इनटू सीरीज होती है उन दोनों सीरीज के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो ताहकता जान जो फ्रेंड्स होता है उसके बारे में, एंजियोस्पर्म फाइकसने की फाइलोजेनिक ग्रुप होता है जिसे फ्रेंड्स हम एपीजी 4 के भी नाम से जानते हैं, उनका जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन होता है या उनका जो वर्गीकरण होता है उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी से कह सकते हैं कि संबंधित जो उनके टैक्सोनॉमिक एविडेंस होते हैं उनका फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोडक्शन भी इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में और फ्रेंड्स कहते हैं कि मॉलिकुलर जो बायोलॉजी डाटा होती है जो फ्रेंड्स हम जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होमोलॉजी के बारे में बात करते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम अपने सेकंड चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको हमारा सेकंड यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम सभी का थर्ड यूनिट क्या है। तो आप लोग यहां पर ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको अपना थर्ड यूनिट भी समझाऊंगा। तो देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोकस करना है कि जो फ्रेंड्स हम सभी का थर्ड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है। तो जिसका फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शो हो रहा होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा, यानी कह सकते हैं कि उनकी जो फ्रेंड्स फैमिलीज होगी वो फ्रेंड्स जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उस पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि जो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी है वो फ्रेंड्स आपके लिए कह सकते हैं कि कौन सी फैमिलीज कह सकते हैं
की चूज करिए जो फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि आप सभी के जो अवेलेबल फ्लोरा में होती है, या कह सकते हैं कि आप सभी के पास जो फ्लोरा में अवेलेबल है उन्हीं फ्रेंड्स कोई एक कह सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं उनको फ्रेंड्स जो अपनी अनुसार कह सकते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसको फ्रेंड्स वो सिलेक्ट करेगा। और फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि चैप्टर का नाम हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली। जो फ्रेंड्स एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होंगी उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि इसको फ्रेंड्स हम सभी 8 कसने के लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग अपने थर्ड चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज भी थे इम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल। उसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि पेकुलियरिटीज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज यानी कहते हैं कि जो आपसी के पास जैसे कि कुछ स्पीसीज होंगी उनकी फ्रेंड्स हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। किसके साथ फ्रेंड्स स्टडी करेंगे तो इम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पेकुलियरिटाइसेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर। यानी जो फ्रेंड्स उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होंगी उनके जो फ्रेंड्स मेंबर होंगे उनके जो फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजिकल होंगे उनके बारे में। उसके साथ ही फ्रेंड्स का जो इम्फेसिस होगा उनकी फ्रेंड जितने भी कह सकते हैं कि फैमिलीज होंगी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जो फ्रेंड्स किस पे आधारित होगा या फ्रेंड्स किस पे बेस्ड होगा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बेंथम पर, यानी जो फ्रेंड्स बेंथम और जो फ्रेंड्स हुकर सिस्टम है उनको फ्रेंड्स अप टू इनकी सीरीज है उसी में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बेस्ड होगा। उन्हीं के अंतर्गत फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि रेनन क्लेसिया के बारे में, पेपा वर्सेसिया के बारे में, मलवेसिया के बारे में, रूटेकेसिया के बारे में, फैबेसिया के बारे में, माइटासिया के बारे में, कुकुरबिटेसिया के बारे में, एपेसिया के बारे में, रूबेसिया के बारे में, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एस्टेरेसिया के बारे में। इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आप ही को इतना समझ में आ गया होगा कि अपने हम चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत या कह सकते हैं फ्रेंड्स थर्ड यूनिट अंतर्गत कौन से या कितने कौन कौन से टॉपिक होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि कह सकते हैं कि आपसी को जो कह सकते हैं कि मेंबर्स होंगे या जो फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अनुसार जो फ्रेंड्स आपसी के मॉर्फोबायोलॉजिकल कह सकते हैं कि पेपुकुलेटिसेंस होंगे जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हमारे इम्फेसिस के साथ रहेंगे, और जो फ्रेंड्स उनकी कुछ फॉलोइंग जो फैमिलीज होंगी उन सभी का फ्रेंड्स हम सभी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे बेस्ट या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे किस पे बेस्ड होंगे तो बेंथम एंड हुकर जो सिस्टम होगा उस पर फ्रेंड्स बेस्ड होंगे। जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ पॉइंट बता दे जा रहे हैं इन्हीं पर फ्रेंड्स हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स वहां सबसे पहला पॉइंट है रेनन क्लेसिया, पेबा वर्सिया, उसके बाद फ्रेंड्स है कसने के मलवेसिया, रूटेसिया, उसके बाद फ्रेंड्स फेबेसिया, माइटेसिया, कुकुरबिटेसिया, उसके साथ साथ फ्रेंड्स एबेसिया एंड रूबेसिया, और उसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लास्ट में क्या है तो एस्ट्रेसिया। तो इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने थर्ड चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा थर्ड यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम सभी का फोर्थ यूनिट क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देना, फोर्थ यूनिट भी आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके समझाऊंगा। ये फ्रेंड्स उसका पार्ट नंबर सेकंड है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हम सभी का फोर्थ यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। सेकेंड, फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी विद वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। यानी फ्रेंड्स ये आपको यहाँ फ्रेंड्स डिनोट हो रहा होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। सेकेंड यानी कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स आपको एक एंजियोस्पर्मिक जो फैमिलीज होगी उसको फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर एक उनमें से फ्रेंड्स सेलेक्ट करना होगा। जो फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जाएगा कि वो फ्रेंड्स हमारी कौन सी फैमिलीज होगी और किन को फ्रेंड्स वो सिलेक्ट करेगा, वो फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। इससे फ्रेंड्स क्या था, तो इससे फ्रेंड्स आप को कहते हैं कि एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उसकी फ्रेंड्स कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में जस्ट फ्रेंड्स आप को सब कुछ सेम है। उसमें फ्रेंड्स वो कहते हैं कि एक हमारे दूसरी फैमिली होगी और फ्रेंड्स हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत या फोर्थ यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स एक दूसरी फैमिली होगी। तो उन दोनों फ्रेंड्स फैमिलीज के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड्स उनकी कंपैरेटिव स्टडी होंगी उन्हें के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स ये जो हमारे कुछ पॉइंट बताए गए थे जो जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं ये पॉइंट फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट थे।
और फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फोर्थ के अंतर्गत फ्रेंड्स कैसे कि ये सारे पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट कैसे देखिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स सब कुछ सेम है, पर थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स कैसे वो फैमिली हमारी फर्स्ट थी, ये फ्रेंड्स हमारी फैमिली सेकंड है। तो सब कुछ भी फ्रेंड्स इसमें कसने की अदला बदली नहीं हुई है, पर थोड़ा सा चेंजेस है, केवल फ्रेंड्स फैमिली इसमें चेंज कर दिए गए हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि चैप्टर नंबर फोर्थ के अंतर्गत या यूनिट नंबर फोर्थ के अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी ध्यान देना कि ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल peculiarities and economic importance of its member based on Bentham and Hooker system। सब कुछ फ्रेंड्स सेम टू सेम वहीं पर लिखा गया है। अब उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे, यही फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर आप भी ध्यान देंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा नाम जो है फ्रेंड डिफिकल्ट लिखा गया है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है आपसे को। फ्रेंड्स आपसे जब खुद से ही पढ़ेंगे तो थोड़ा फ्रेंड्स आपसे को लगेगा कि फ्रेंड्स दिक्कत हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जब हम प्रॉपर इसे पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉपर इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना कि कौन कौन से हमारे नाम हैं जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से फ्रेंड्स किसके बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना कि एपोसाइनेसिया के बारे में, स्क्लेपेडेसिया के बारे में, सोलेनेसिया के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि एकांथेसिया के बारे में, लाइमेसिया के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि एमरेंथेसिया के बारे में, यूफोरबेसिया के बारे में, लाइलेसिया के बारे में, म्यूसेसिया के बारे में, और फ्रेंड्स कहते हैं कि पोसिया के बारे में। इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपसे अच्छे तरीके से ध्यान देना इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम अपने चैप्टर नंबर अपने फोर्थ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अपने चैप्टर नंबर थ्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। फ्रेंड थोड़ा सा जो नेम है वो फ्रेंड डिफिकल्ट है, लेकिन फ्रेंड्स आप एक दो बार अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपसे को थोड़ा बहुत इजी लगने लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो चैप्टर नंबर थ्री था या चैप्टर नंबर जो फोर्थ था, दोनों के दोनों फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में आ गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर फिफ्थ के बारे में कि चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंतर्गत कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉइंट होंगे या कौन कौन से हमारे ऐसे टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फोर है या फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स जो हमारा यूनिट नंबर फाइव है जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फाइव है या फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फाइव है या फिफ्थ है। इसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और इसका जो फ्रेंड्स कहते हैं कि लेक्चर है वो फ्रेंड्स यहाँ पर एट लिखा गया था, लेकिन फ्रेंड्स उसे कट करके फ्रेंड्स सेवन लिखा गया है, यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सेवन लेक्चर के अंतर्गत अपने हम चैप्टर नंबर फाइव को या यूनिट नंबर फाइव को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काफी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग फोकस करना कि ब्रीफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फेनेटिक्स की जो ब्रीफ आइडिया है जो उनकी फ्रेंड्स बढ़ी हुई कह सकते हैं कि चौड़ी जो फ्रेंड्स या कह सकते हैं कि बड़ी जो आइडियाज हैं उनके बारे में, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। बायो जो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक्स होते हैं उनके बारे में, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेबर ज्वाइनिंग होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि एक दूसरे के जैसे पड़ोसी जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एकत्रित रहते हैं, फ्रेंड्स साथ साथ में रहते हैं, फ्रेंड्स उसी टाइम फ्रेंड्स कहते हैं कि इसके बारे में, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लाडेसिस्ट के बारे में, बेसिक्स एंड मेथोडोलॉजी के बारे में, उसके इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग यहां पर ध्यान देंगे तो सुपर स्पेसिफिक जो फ्रेंड टैक्सा होती हैं उनके बारे में, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मोनोफाइलेटिक के बारे में, पॉलीफाइलेटिक के बारे में, और जो फ्रेंड्स हमारे पैराफाइलेटिक होते हैं उन सभी जितने फ्रेंड्स ग्रुप्स होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि प्लेसियोमॉर्फो के मॉर्फो के बारे में, एड फ्रेंड्स जो एपोमॉर्फिक होते हैं उन दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैप्टर नंबर फाइव के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो फ्रेंड्स फेनेटिक्स की ब्रीफ आइडियाज होंगी, जो फ्रेंड्स उनके अच्छे अच्छे सुझाव होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। बायोमेट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका फ्रेंड्स हम नेबर ज्वाइनिंग के रूप में खास रूप से इनका अध्ययन करेंगे। क्लेडिस कह सकते हैं कि क्लेडिस्टिस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे बेसिक एंड जो फ्रेंड्स मेथोडोलॉजी होती है उनका फ्रेंड्स मुख्य रूप से इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स सुपरा स्पेसिफिक जो हमारे टैक्सा होंगी उनके बारे में फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हम अध्ययन करेंगे, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से मोनोफाइलेटिक के बारे में, पॉलीफाइलेटिक के बारे में और फ्रेंड्स पैराफाइलेटिक के बारे में, इन तीनों पॉइंट के बारे में जितने फ्रेंड्स हमारे जो ग्रुप्स होते हैं इन तीनों ग्रुप्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बता दूं तो प्लेसियोमॉर्फी के बारे में और फ्रेंड्स एपोमॉर्फी के बारे में, इन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी आपसे को फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ जो यूनिट है ये भी समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सिक्स यूनिट क्या है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा सिक्स यूनिट क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सिक्स यूनिट है यहाँ फ्रेंड्स सेवन लिख गया है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे तो फिफ्थ के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्स होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स सेवन लिख गया है, बाय मिसप्रिंट कहीं छप गया होगा, तो आप लोग दिक्कत ना लें। ये फ्रेंड्स हमारा सिक्स यूनिट है, मैं थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दे भी रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा यूनिट है, तो ये फ्रेंड्स हमारा सिक्स यूनिट है। अब सिक्स यूनिट के अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में, सिक्स यूनिट का सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं कि सिक्स यूनिट का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे छठवें यूनिट का फ्रेंड्स नाम है टूल एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। या फ्रेंड्स कहते हैं कि प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ फ्रेंड्स ऐसे टूल बनाए गए हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, एंड फ्रेंड्स कंप्यूटर के फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है। तो उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स हम यहां पर कह सकते हैं कि अपने सिक्स यूनिट के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एट लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ये भी सीख लेते हैं कि टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही खास रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं कि जीआईएस के बारे में, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो जीआईएस के बारे में सीखेंगे। खास रूप से फ्रेंड्स इसकी जो मैपिंग होती है उनके बारे में फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे तीन पॉइंट हैं, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स हमारे पैटर्न को लेकर रहेगा, दूसरा जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है वो फ्रेंड्स फीचर्स को लेकर रहेगा, और जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है वो फ्रेंड्स इनके क्वांटिटीज को लेकर रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि जीआईएस के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे मैपिंग होते हैं फ्रेंड्स वो पैटर्न पे होते हैं, फीचर्स पे होते हैं और क्वांटिटीज पे होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट का फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि फ्री फाइको कसने की फाइलोजेनेटिक जो सॉफ्टवेयर होंगे जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से कसने की पॉप जो होते हैं और फ्रेंड्स कहते हैं कि जो मेस्क्यूट होते हैं, उन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। जो फ्रेंड्स ये फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर है इससे फ्रेंड्स संबंधित काफी कुछ क्वेश्चन हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, पॉप से और मेस्क्यूट से, इन दोनों से फ्रेंड्स काफी अच्छे सारे क्वेश्चन हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंड्स फ्री फाइलोजेनेटिक जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स डिजिटल टैक्सोनॉमी है यानी जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ई फ्लोरा के बारे में, इसके भी बारे में हम लोग फ्रेंड्स इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी, जो फ्रेंड टैक्सोनॉमी के लिए डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से किसके बारे में, तो डेल्टा के बारे में फ्रेंड्स, किसके बारे में, तो डेल्टा के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, जो फ्रेंड्स बॉटनी के लिए इंटरनेट डायरेक्टरी है, उन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको हमारे छठवें यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि टूल एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो जीआईएस की कह सकते हैं कि जो जीआईएस होगी इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो पैटर्न फीचर्स है इसकी क्वांटिटीज होंगी, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स इनका हम मैपिंग करेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं तो जो फ्रेंड्स हमारे फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर होंगे जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से पॉप और मेस्क्यूट के बारे में सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो जो डिजिटल टैक्सोनॉमी होगी जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से ई फ्लोरा के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी के लिए डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होगी जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से डेल्टा के बारे में चर्चा करेंगे, बॉटनी के लिए जो फ्रेंड्स इंटरनेट डायरेक्टरी होगी, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सिक्स नंबर चैप्टर के अंतर्गत या सिक्स नंबर यूनिट के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हम लोगों को सातवां यूनिट क्या है, मैं थोड़ा सा इसे अप कर दूं जिसे फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो देन फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्रेंड्स हमारा सातवां यूनिट है। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि सातवें यूनिट के अंतर्गत देखते फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सातवां फ्रेंड्स हमारा यूनिट है कंप्यूटर यूजर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एंड कैरेक्टर एनालिसिस, यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट है। और सातवें यूनिट के अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कैसे कौन कौन से टॉपिक होंगे, ऐसे कौन कौन से हेडिंग होंगे या फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और हम लोग फ्रेंड्स अपने सातवें यूनिट को सेवन ही लेक्चर के अंतर्गत
बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर देंगे, तो आप सभी टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से इनके हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को अपने सातों यूनिट के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो खास रूप से फ्रेंड्स जिन जिन कह सकते हैं कि छात्र या छात्राओं ने फ्रेंड्स या मेरे भाइयों बहनों ने कह सकते हैं कि अभी तक कंप्यूटर में कुछ भी सीखा होगा, तो उनको फ्रेंड्स ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य रूप से एमएस ऑफिस के बारे में, यानी एमएस ऑफिस के अंतर्गत कह सकते हैं कि वर्ड पैड के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, एक्सेल के बारे में, एक्सेस के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में, वर्ड पैड के बारे में, पेंट के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहां फ्रेंड्स आगे आप सभी को बताया भी गया है कि पीपीटी यानी फ्रेंड्स पावर पॉइंट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, डाटा एंट्री के बारे में, और जो फ्रेंड्स उनके कुछ ग्राफ्स होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो जीपीएस टैगिंग होगा या फ्रेंड्स क्या कि जो जीपीएस टैगिंग होगा ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो जीपीएस टैगिंग है फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में फ्रेंड्स आपको जानना, बेसिक भी जानना फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जीपीएस टैगिंग के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन जो ऐप्स होते हैं कि इस ऐप की मदद से फ्रेंड्स कोई भी पौधा होगा आप फ्रेंड्स उसे स्कैन करके उसका फ्रेंड्स नाम, उसका फ्रेंड्स फैमिली, उसके फ्रेंड्स कुल गण या जितने फ्रेंड्स पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे उस ऐप के माध्यम से, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो कुछ हमारे कह सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट या फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं तो सिलेक्शन ऑफ करेक्टर या फ्रेंड्स करेक्टर के जो सिलेक्शन होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। करेक्टर कैसे की कोडिंग जो फ्रेंड्स होंगी उनके बारे में, करेक्टर स्टेप मैट्रिक्स के बारे में और करेक्टर एक्स टैक्सॉन मैट्रिक्स के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि अपने सातों यूनिट के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ही को इतना सब समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर यूजर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड करेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं या ऐसे कौन कौन से हेडिंग हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर यूजर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड करेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से पीपीटी के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, डाटा एंट्री ग्राफ्स के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जीपीएस टैगिंग के बारे में, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टर के बारे में, सिलेक्शन ऑफ करेक्टर्स के बारे में, करेक्टर कोडिंग के बारे में, स्टेप मैट्रिक्स के करेक्टर के बारे में, करेक्टर एक्सट्रैक्शन मैट्रिक्स के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सातवें यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बात कर ले फ्रेंड्स अपने हम लास्ट यूनिट या फ्रेंड्स अपने आठवें यूनिट के अंतर्गत हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स आठवें यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे, ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे हेडिंग होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने आठवें यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पीड में मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे फ्रेंड्स कम से कम समय में मैं ज्यादा फायदा फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ समझा पाऊं, ऐसे का बहुत ही कम से कम समय लेना चाहता हूं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग फ्रेंड्स अपने आठवें यूनिट के अंतर्गत क्या कौन कौन से पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि हमारे आठवें यूनिट का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे आठवें यूनिट का नाम है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, यानी कह सकते हैं कि जो एस्थेटिक प्लांट के जो एस्थेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम सभी एट यूनिट के अंतर्गत बहुत ही लाजवाब तरीके से इसे भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आठवें यूनिट के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, यानी कह सकते हैं कि जो प्लांट के एस्थेटिक कैरेक्टर्स हैं जो फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट्री नॉलेज के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग खास रूप से अध्ययन करेंगे, जिनका फ्रेंड्स हम सभी अध्ययन कर सकते हैं कि इंग्लिश में, इटालियन में, फ्रेंच में, पर्सियन में, मुगल में एंड जापानीज में, कह सकते हैं कि इतने लैंग्वेज में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। फीचर्स ऑफ ए गार्डन, जो फ्रेंड्स गार्डन के कुछ जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से गार्डन वॉल के बारे में, फेंसिंग के बारे में, स्टेप्स के बारे में, हैक के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि एडगिंग के बारे में, लॉन के बारे में, ट्रीज के बारे में, सब्स के बारे में, और कहते हैं कि सर्वरीज के बारे में, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट है जैसे कि फ्रेंड्स क्लाइंबर्स के बारे में, क्रीपर्स के बारे में, रॉकरी के बारे में, फ्लावर के बारे में, वेट्स के बारे में, सरोवरी के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, यानी फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट के बारे में जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो गार्डन के जो भी फ्रेंड्स फीचर होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स वाटर गार्डन भी होता है, जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने समय ने देखा होगा कि कहते हैं कि फीचर्स ऑफ गार्डन, जैसे फ्रेंड्स जमीन में फ्रेंड्स कहते हैं कि गार्डन लगाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स वाटर में फ्रेंड्स गार्डन होता है। तो वाटर गार्डन फ्रेंड्स के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं, तो सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया, कुछ फ्रेंड्स हमारे इंडिया के फेमस गार्डन हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। कंजर्वेटरी जो फ्रेंड्स हमारे होंगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ग्रीन जो हाउसेस होंगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे, इंडोर गार्डन के बारे में अध्ययन करेंगे, रूफ गार्डन के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि टॉपियरी जो होते हैं उनके बारे में,
और वन साई, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अपने आठवें यूनिट के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आप ही को ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने आठवें यूनिट के अंतर्गत या फ्रेंड्स किस यूनिट के अंतर्गत, तो आठवें यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एसेथेटिक करेक्टर के बारे में जो प्लांट से संबंधित होंगे, जिनका फ्रेंड्स हम इंग्लिश से, इटालियन, फ्रांसी, पर्सियन, मुगल एंड जापानीज लैंग्वेज में अध्ययन करेंगे। जो गार्डन के कुछ फीचर होंगे जिनके अंदर फ्रेंड्स हम गार्डन वॉल के बारे में, फेंसिंग स्टेप के बारे में, हैक के बारे में, एडिंग के बारे में, लॉन के बारे में, ट्रीज के बारे में, सब्स के बारे में, सबरीज के बारे में, क्लाइंबर्स के बारे में, क्रीपर्स के बारे में, रॉकरी के बारे में, फ्लावर बेड्स के बारे में, स्ट्रॉबेरी के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वाटर गार्डन के अंदर फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो इंडिया के कुछ हमारे फेमस गार्डन है उनके बारे में, उनकी जो फ्रेंड्स कंजर्वेटरी है उनके बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में या ग्रीन हाउस के बारे में, इंडोर गार्डन के बारे में, रूफ गार्डन के बारे में, टोपियर के बारे में, बॉन्साई के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आप को कैसे कि जितने भी थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे कुछ हमारे यूनिट थे या जो हमारे आठ यूनिट थे, वह यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे, उन सभी को फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि किन किन पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और किन किन कैसे कि फ्रेंड्स हम लोग हेडिंग और टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देंगे। तो उन सभी पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया और आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को समझ में आ गया भी गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत कि प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत कितने सारे यूनिट हैं और कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो देन फ्रेंड्स आपसे ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स आपसे को ये पहले ही बता दिया है कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो सेकेंड ईयर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो अपने थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल पेपर के बारे में। और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉटनी का सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स प्रैक्टिकल पेपर का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल पेपर का नाम है प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लास है, तो इन सभी पॉइंट को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लास है प्लांट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट का हम सभी कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है, तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर फोकस करेंगे आप ये को बहुत ही फ्रेंड्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक कह सकते हैं फ्रेंड्स कि थ्योरी क्लासेस की बात फ्रेंड्स इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये को कह सकते हैं कि एक साइड में यूनिट के बारे में, दूसरी साइड में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो टॉपिक होता है उसके बारे में, और फ्रेंड तीसरे साइड में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यूनिट होगा, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कौन-कौन से पॉइंट के बारे में यूनिट करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका फ्रेंड्स नाम है हर्बेरियम प्लांट कलेक्शन प्रीजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, या फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल होते हैं वो फ्रेंड्स अलग-अलग यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स अलग-अलग तरीके से करा लिए जाते हैं। कोई फ्रेंड्स कोई यूनिवर्सिटी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी बताए गए बेस पर कहते हैं कि अपना प्रैक्टिकल कराता है, नहीं तो फ्रेंड्स जितने भी कहते हैं लोग होते हैं, जितने फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीयां होती हैं वो फ्रेंड्स अपना अलग अलग तरीके से अपना प्रैक्टिकल कराती रहती हैं, और अलग अलग फ्रेंड्स अपने कसने के इक्विवेलेंट जैसा जहां पर फ्रेंड्स उपलब्ध होता है ठीक उसी बात कराती है, सॉरी फ्रेंड्स कराती है। लेकिन फ्रेंड्स आप ही को इतना समझ में आ गया होगा कि हर्बेरियम प्लांट कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में आप सभी को बताता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि स्टेप वाइज प्रैक्टिस जो हर्बेरियम टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में, ए फील्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में, ग्लोबल कहते हैं कि पॉजिटॉइनिंग होती है उनके बारे में, तो GPS कह सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में, कलेक्शन ऑफ एनी बिल्ड 25 प्लांट स्पेसिमर्स के बारे में, बिलन टू हैंडल हर्बेरियम मेकिंग टूल्स के बारे में, पीसेस एंड डाइजिंग ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमर्स के बारे में, डी स्पेशल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो फ्रेंड्स हमारे वेरियस ग्रुप्स के ऑफ प्लांट्स के लिए होते हैं, माउंट ऑन स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीड्स अवेलेबल देम यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड के बारे में, ऑर्गेनाइज देम एंड गिव इंडेक्स रजिस्टर्ड नंबर के बारे में। तो आप लोग फ्रेंड्स ऐसे फोकस करना, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट बताना आपसी को ज्यादा फ्रेंड्स बेहतर समझता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वही सारी थ्योरीज हमारे पॉइंट हैं उन्हीं का फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यूनिट यहाँ पर फ्रेंड्स आपसी को बता दे रहा हूँ, आप लोग फ्रेंड थोड़ा बहुत फोकस कर लेना, नीचे आपसी को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आप लोग या तो फ्रेंड्स स्क्रीन शॉट ले लेना बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी को दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स वहाँ सबसे पहला जो यूनिट था जिसका फ्रेंड्स नाम था हर्बेरियम प्लांट कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम सभी का सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स कहते हैं कि नाम है टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन यूजिंग प्लांट स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो आपको यहां पर कसने के पॉइंट है जो फ्रेंड्स आपको यहां पर टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इन सभी टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक का प्रैक्टिकल हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के अंतर्गत या सेकंड यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, और इन सभी का जो हम लोग का लेक्चर बनाना होगा फ्रेंड्स वो 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग एक्सकर्शंस, या फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत जितने फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। मोटा मोटी फ्रेंड्स आप यहाँ इसका स्क्रीन शॉट ले लें या देख लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम सभी का जो चौथा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एल्गाई फंजाई ब्रायोफाइट्स पैराडोफाइट्स, यानी फ्रेंड्स जो इनमें से कोई टू ईच और भी है, तो इन दोनों इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने चौथे यूनिट के अंतर्गत या फ्रेंड्स अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका स्क्रीन शॉट लेते चलें, आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। उसके आप लोग फ्रेंड्स मोबाइल को यदि नहीं अच्छे तरीके से तो मोबाइल को फ्रेंड पोर्ट्रेट रूप में या फ्रेंड कहते हैं कि इसको मोबाइल को थोड़ा सा घुमा लीजिए, फुल स्क्रीन पर कर लीजिए फ्रेंड्स, कहते हैं कि वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हम सभी का पांचवा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड रिपोर्टिंग मेथड, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने पांचवें यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आप सभी फ्रेंड्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स हम सभी अपने छठवें यूनिट के अंतर्गत कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जो कैरेक्टर कोडिंग होती है, इसमें फ्रेंड्स कोडिंग भी आपको सिखाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्रेंड्स जिन यूनिवर्सिटीज में कहते हैं कि कंप्यूटर के क्लासेस चलती होंगी वहाँ फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, या चलती नहीं भी होगी तभी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहते हैं कि कैरेक्टर कोडिंग सिखाए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हम सभी का छठवें यूनिट था। उसके बाद फ्रेंड्स हम सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फ्रेंड्स हमारा जो सातवां यूनिट है और जो फ्रेंड्स आठवां यूनिट, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कहते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास में। तो अपने सातवां यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टैक्सोनॉमी के बारे में और फ्रेंड्स आठवां यूनिट के बारे में ये जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, जिनके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से गार्डन जो फ्रेंड्स कहते हैं कि अर्थ गार्डन होता है उनके बारे में, जो वाटर गार्डन होता है उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटे फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत जो हमारे पॉइंट थे आपके फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी जस्ट के अभी ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग इसका एक भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग ऐसे तीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आपको पढ़ने का मन होगा तो आप लोग से पढ़ने में लेना। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने थ्योरी क्लासेस बताई हैं, जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस बताई हैं, आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ऐसा लगा हो कि सर ने थोड़ा बहुत आपके लिए मेहनत किया हो, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो, तो प्लीज फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक वीडियो बनाने फ्रेंड्स काफी हार्डवर्क लगता है। और ये फ्रेंड्स आपने केमिस्ट्री जूलॉजी के कहते हैं कि अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए, मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा, तो आप लोग जरूर से जरूर विजिट कीजिए। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड्स न्यू सिलेबस है उसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ठीक इसी बात समझा भी दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा मस्त होता है। तो अंकित लेक्चरर चैनल को और बीएससी दोनों के दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप सर्च कर अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्रेंड्स जो वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन है उसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।